अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां अवां जो मेज़बान फयाज़ नाइज गुफ्तगू कंदासूं। यकीनी तौर ते हुकूमत ऐं पीटीआई हिकु ॿिए जे आम्हूं साम्हूं अची विया आहिनि ऐं लाहौर, बनीगाला, रावलपिंडी खां कराची ताईं जेको आहे असांखे नज़र आयो मुख़्तलिफ़ जायुनि ते किथे हुकूमत ऐं उन्हनि जे विच में मुज़ाहिरीन जे विच में झड़पूं थियूं। कराची में बि गवर्नर सिंध खे जेको यादाशनामो पेश कयो वियो, आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जा अॻवान उते मौजूदु आहिनि, पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, उन सां गुफ़्तगू कंदा। आरिफ अलवी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है, किस तरह क्या लाहमल है फ्यूचर का पी टी आई का? भाई साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक खासा है कि ये अपने पैर में बम बांध कर निकलते हैं और वक्तन फवक्तन इग्नाइट कर देते हैं, और इनकी हुकूमत हमेशा एंड इसी तरह से हुई और ख़त्म इसी तरह से हुई कि इन्होंने गलत यानी बेवकूफ़ी के काम किए, लोगों पर जुल्म किया। और ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कल जो हमारा यूथ का कन्वेंशन हो रहा था मार्की के अंदर, घर के अंदर हो रहा था, उसको उन्होंने जनाब शॉर्ट नोटिस पर लोगों को सड़क पर भेज डाला और फिर कहा कि 144 है, और फिर टियर गैसिंग की और उनको गिरफ्तार भी किया और मारा भी। तो मैं समझता हूं कि और आज की जो सारी कार्रवाई, आप टियर गैसिंग पर गिरफ्तार करना, ये आर्टिकल 19 की उसकी सड़ी खिलाफ वर्जी है। और सिर्फ इस वजह से लोगों को जदूकोब किया जा रहा है कि हम अवाम पाकिस्तान की आवाज उठा रही है उस करप्शन के खिलाफ जो 68 ईयर से पाकिस्तान में जारी है। पहली मरतबा पैनामा के एतबार से हम ही लग रहा है, पैनामा के एतबार से एक तो चीज निकली, तो ये लोग जो खड़े हैं ये सिर्फ ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमारी जेब कटी है, नवाज शरीफ साहब अपनी तलाशी दें कि क्या कहां पैसा है। ठीक है, तो आज जब हमने प्रोटेस्ट किया तो हम वहां पर जाकर हम जा रहे थे प्रेस क्लब, मगर हमारा प्लान ये था कि गवर्नर हाउस जाएंगे, मगर हम इस बात को डाइवर्ट नहीं किया था कि गवर्नर हाउस तक हम पहुंच जाए, वरना पहले से कोई ना कोई बड़ी रुकावटें होती। खैर, हम वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए तो गवर्नर साहब के यहाँ से अंदर से पैगाम आया कि जी अंदर आ जाए। मैंने कहा नहीं, हमारे सारे वर्कर्स बाहर हैं, आप याददाश्त बाहर आकर लें। तो गवर्नर साहब तशरीफ लाए बाहर, उसको हमने एक याददाश्त दी जिसके अंदर हमने ये कहा कि गवर्नर नवाज शरीफ का नुमाइंदा है, यहाँ फेडरेशन का नुमाइंदा है, और कल जो हुआ और आज जो हुआ उसमें सिंध से बहुत सारे लोग गए हुए, गिरफ्तार भी हुए हैं और मार भी खाई है। तो गवर्नर सिंध जो है वो सिंध के हुकूक को पामाल होता है, उसको देखना नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हमारा शहर भी है, इस्लामाबाद पंजाब का शहर नहीं है, तो अगर वहां पर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो गवर्नर साहब को प्रोटेस्ट करना चाहिए, उस कानून को की मजम्मत करनी चाहिए, इस एक्शन की मजम्मत करनी चाहिए। और अगर गवर्नर साहब ये नहीं कर सकते तो हमने कहा कि हमारे गवर्नर साहब के ऊपर और भी इतराजात हैं कि इनके मुतालिक बहुत सारी उंगलियां उठाई गई हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने उठी हैं, पिछले अदवार में उठती रही हैं, तो गवर्नर साहब फिर इस्तीफा दें, सिंध का पीछा छोड़े। क्योंकि देखें, अगर गवर्नर साहब अपने सिंध के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो क्या फायदा है ऐसे गवर्नर का। तो ये थी याददाश्त जो उन्होंने फिर बाहर आकर कबूल की। अच्छा, गवर्नर साहब ने क्या कहा, वो इस्तीफा देंगे या आपकी याददाश्त के बारे में कहा कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे? ना, गवर्नर साहब ने ये कहा कि वो नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे, याददाश्त को पढ़ेंगे, गौर करेंगे, जो कानूनी वो काम कर सकते हैं वो करेंगे, और मैं समझता हूँ कि कानूनी काम कर सकते हैं, आपके नुमाइंदे हैं, कम से कम घुटनों में इतना दम पैदा करें कि वो खड़े हो यार सिंध के हुकूक के लिए, पाकिस्तान के हुकूक के लिए। और मेरे भाई फयाज भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर चोरी होती है, अगर करप्शन होता है, तो पाकिस्तान के अंदर सूबे सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन होता है, यानी ऑफ टैक्सेस तकरीबन 65% का करप्शन कराची में होता है, बावजूद क्योंकि कराची पोर्ट भी है और जो पंजाब की चीजें जाती है वो भी यहाँ से कलेक्शन होता है। तो 65% अगर कराची से कलेक्ट होता है, तो अगर चोरी होती है तो 65% कराची की जेब कटती है और सिंध की, माफ कीजिएगा, पूरे सिंध से ही रेवेन्यू जनरेट होता है, तो पूरे सिंध की जेब कटती है 65%। तो 65% तो बड़ा लॉस, बड़ा लूजर जो है वो मेरी सिंध फंसती है। तो उसके लिए यानी मुझे और आपको उतना ही लाभ होना चाहिए, प्रशासन का बल्कि
ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये जो नवाज शरीफ साहब और हुकूमत कहती है कि दुनिया के अंदर एहतजाज के तरीकेकार होते हैं, एप्लीकेशन दायर करें, आप एहतजाज के को रूल्स ऑफ बिजनेस तय करें, आप इस तरह टेन डाउनिंग स्ट्रीट में जाके नहीं कर सकते कि आप इतने लोग ला के वहाँ पे पथराव करें जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, तो वो बात आपको नहीं लगता कि वो कुछ लॉजिकल बात कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर गरीब गरीबतर हो जाता है, हो रहा है, गरीब मर रहा है, तालीम किसी को मिल नहीं रही, 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, और आप हमसे ये कहते हैं कि ये करो कानून, ये करो। अरे कानून जो तुमको कहता था कि तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारी एजेंसी तहकीकात करें, वो तो किया नहीं। मुझे गरीब को कानून दिखाने के लिए हर वक्त रहता है। ये एलिटिस्ट कैप्चर है मेरे भाई, स्टेट का, उसके उसकी मईशत का एलिटिस्ट कैप्चर है, उसकी लेजिस्लेचर का एलिटिस्ट कैप्चर है, उसके एग्जेक्टिव का एलिटिस्ट कैप्चर है कि जी गरीब के लिए तो सारे कानून है, 144 लग गया, और नवाज शरीफ जैसे चोर के लिए कोई कानून नहीं है। आप बताइए, हुकूमत के सारे इदारे तबाही हैं। आप ये बताइए कि अगर कोई कत्ल होता है सड़क पर, तो जनाब पुलिस तहकीकात करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को पेश कर दिया, झूठ बोलते हैं, कौम को बेवकूफ बनाते हैं। पहले तहकीकात होती है, एजेंसी तहकीकात करती है, फिर मामला अदालत में जाता है। तो मुझे कानून ये कौम भूखी नंगी मुफलिस किया हुआ है, अनपढ़ जाहिल रखा हुआ है, इसको ये कानून मत समझाए, अपने ऊपर कानून का इख्तलाफ। लेकिन खान साहब तो कहते हैं कि मैं और हाई कोर्ट जाऊं कि ना जाऊं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाऊंगा, तो अगर आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनका जाना गलत है, तो फिर खान साहब क्यों जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में किसका जाना गलत है? आप कह रहे हैं ना, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को पेश कर रही है, ये गलत है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पहले अपना अपने इदारों से एहतसाब तो करवाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका सुप्रीम कोर्ट जाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट तो हम गए, हमने पिटीशन दाखिल की है कि कुछ नहीं करा। आप जानते हैं ना, बड़ी कॉमन मिसाल दे रहा हूँ कि अगर थाना FIR नहीं काटता तो अदालत में जाते हैं कि FIR काटो। ये तो वो हमारी पिटीशन है कि FIR काटो, इसका एहतसाब करो, ये भाग रहा है, उन्होंने चोरी की है। अच्छा, पीपुल्स पार्टी के साथ अब इस जद्दोजहद में आपका और पीपुल्स पार्टी का क्या देख रहे हैं? कोई है फ्यूचर के अंदर, नियर फ्यूचर के? मुझे मालूम नहीं है। पीपुल्स पार्टी पहले कह रही थी कि हम रमजान के बाद निकलेंगे, फिर कहती थी कि हम ईद के बाद, बकरीद के बाद निकलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम दिसंबर 17 को 27 को निकलेंगे। तो ये मुझे मालूम नहीं है कि यानी वो उसमें से कुछ लोग पीपुल्स पार्टी कंफ्यूजन का शिकार है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर इनका एहतसाब हो गया तो फिर किस चीज का खुदा ना खास्ता हो जाए। तो पीपुल्स पार्टी की खुद समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग मजम्मत कर रहे हैं। उनका लीडर कह चुका है कि हम भी निकलेंगे सड़कों पर, और कुछ लोग कहते हैं सड़कों पर निकलना गलत है। तो ये कंफ्यूजन का शिकार है। पीपुल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात के एतबार से अपना असर रसूख इसी वजह से खो रही है कि उनका मुखमुका काफी आया नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ अब भी पीपुल्स पार्टी के बस में है कि वो अपने अपनी टैक्टिक्स को चेंज करें और अवाम की अक्कासी करें। अच्छा, जमात इस्लामी इत्तेहादी है हुकूमत के अंदर, KPK के अंदर, लेकिन वो इस आपके सारे जो प्रोटेस्ट का जो आपका एजेंडा है उसमें आपके साथ नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब पिछले प्रोटेस्ट में आपके साथ थे, वो भी नहीं है। तो आप नहीं समझते कि आपकी पार्टी जो है वो आइसोलेशन में चली गई है? मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी अवाम की अक्कासी कर रही है, अवाम कभी आइसोलेट नहीं, लिहाजा हम किसी वजह से रुकेंगे नहीं। बहुत दिनों बाद मैं एक मिसाल यूज करता हूँ कि करप्शन के सांप को हमने गर्दन से पकड़ लिया है। अब अगर पार्टी खुद आए तो बहुत अच्छा है, ना आए तो हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, शायद बाद में आ जाए। तो मुझे कोई किसी के ऊपर मैं एतराज नहीं कर रहा हूँ। असल मामला करप्शन का पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले अगर गिरफ्त में आया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरफ्त में लाई है और अवाम को बार बार याद दिला रही है। मैं तो समझता हूँ कि मेरी सारी गुजरती कर गई है सियासत में, सिंध में खास तौर पर, कि लोगों को करप्शन साफ नजर आता है सड़क पर। यानी सड़कें नहीं बनती हैं, अस्पताल नहीं तामीर होते, स्कूल नहीं बनते, घोर स्कूल है, गुर्बत सिंध में शायद बलूचिस्तान के बाद है और बेइंतहा गुर्बत है, और करप्शन के सारे इंडेक्स सिंध में बहुत ज्यादा है। मगर अवाम जो है वो किसी माफिया के चक्कर में फिर वोट देती है उन मजबूरियों के तहत। तो लिहाजा मेरा ये सारा मूवमेंट माफिया का मतलब, आप माफिया से आपकी मुराद पीपुल्स पार्टी है या MQM है? या MQM है, दोनों एक अर्बन फ्यूडल है, एक रूरल फ्यूडल है। अच्छा, दोनों
दोनों है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो माफिया कंट्रोल है, सियासत का जो एलिटिस्ट कैप्चर है, तो मेरी हमारी जद्दोजहद ये है, हमारी जद्दोजहद ये है कि लोग कम से कम करप्शन को और अपने हालात को लिंक करेंगे तो फिर ये सही फैसला कर सकेंगे। जैसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ तो बादशाहत बन गई है, यहाँ आवाम सोच समझकर वोट दे तो ये हट सकते हैं, मिस गवर्नेंस आसमान को छू रहा है। तो हमारी ये जद्दोजहद बोथ वेज है, और ऊपर समझते हैं कि जब कोई चीज आ गई है हाथ तो हुकूमत के इशारे से शास्त्र हिंदुस्तान में समझ इशू हो चुके हैं। हिंदुस्तान ने 15 टैक्स हेवन को खत लिखा है कि भाई हमें और मवाद दो। फिनलैंड ने 18.5 मिलियन डॉलर में मजीद पनामा पेपर खरीदे अपने 44 सिटीजन्स के, जिनका पनामा में ऑफशोर अकाउंट है। तो ये हुकूमत तो सो रही है, कवर अप कर रही है। अब होगा क्या आरिफ अलवी साहब, अब तो क्रैक डाउन शुरू हो गया है, लोगों को वहां पे आने नहीं दे रहे, तो आपके ख्याल में ये कराची से लेकर और लाहौर पिंडी हर जगह पे गली गली में झगड़े होंगे, क्या होगा? तो क्या भी है, भाई साहब, क्रैक डाउन जितना भी हो जाए, मैं समझता हूँ कि 2 नवंबर को होगा जो होना है, आप देखिएगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध जा सदर हसन गडवा गुफ्तगु तां ॿुधी तहरीक इंसाफ जे पारां गवर्नर सिंध के जो वो यादाश्तनामो ॾिनो वियो आहे, ऐं तहरीक इंसाफ जे सिंध जे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जी गुफ्तगु तां ॿुधी हुनजो चवण इहो त गवर्नर ते हुननि खे ॿिया बि ख़दशा आहिनि, छाकाणि त मुस्तफ़ा कमाल जेके हुनजे बारे में ॻाल्हियूं कयूं त चाइना कटिंग जा पैसा ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे हुनखे मिलिया आहिनि, ऐं असां चाहियूं था त हू जेको आहे हिते वफ़ाक जो नुमाइंदो आहे, तंहिंजे करे वफ़ाक़ी हुकूमत सां इहे समूरा मामला पेश करे। उन सां गॾोगॾु हुन पंहिंजी गुफ़्तगु में जेका ॿी अहम ॻाल्हि कई त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ऐं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ॿिन्ही पार्टियुनि खे हू माफ़िया सां जेको आहे पंहिंजो भेट ॾिनी, त इहे ॿई माफ़िया आहिनि ऐं हुनजे करे सिंध जो माण्हू वोट ॾिए थो, ऐं सिंध में जेका हेॾी सारी टैक्स जी कलेक्शन थिए थी ऐं वसीला आहिनि, उनजे बावजूदि बि सिंध में एॾी वॾी गुरबत आहे ऐं गवर्नेंस ख़राबु आहे। गुफ़्तगु जो सिलसिलो जारी रहंदो, वठूं था हिकिड़ो वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था असां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगु कयूं था मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते 2 नवंबर खां अॻु ई ॼण चओ त हिकिड़ी सूरत हाल जेका आहे उहा गर्म थी वई आहे। सूरत हाल ते तर्जी वठूं था मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामियारे तर्जनगार जियो टी वी जे एंकर पर्सन जनाब तलत हुसैन साहब खां। तलत हुसैन साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलत हुसैन साहब, ये जो आज कल से बल्कि हम देख रहे हैं और आज तो उसमें मज़ीद शिद्दत आई है, आपके ख्याल में ये हुकूमत की फतह है कि पीटीआई की फतह है? देखें, अहदाफ को ज़हन में रखें, जब शेख रशीद ने रावलपिंडी के अंदर आज की जलसे का ऐलान किया था तो कहा था कि रावलपिंडी की तारीख में ऐसा जलसा नहीं होगा, और हम सबको पता होना चाहिए कि रावलपिंडी की तारीख में कैसे कैसे जलसे हो चुके हैं। उसमें जुल्फकार अली भुट्टो के जलसे हैं, उसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा के जलसे हैं, उसके अंदर पीएनएम मूवमेंट के जलसे हैं, और वो हजारों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं और तारीख उसकी बड़ी गर्म है। तो जब शेख रशीद ने ये कहा कि जी मैं उनसे बड़ा जलसा करूंगा, तो तवक्को ये थी कि रावलपिंडी का शहर उमड़ आएगा और शेख रशीद साहब के सामने जितनी भी रुकावटें हैं वो पानी की तरह बह जाएंगी। लेकिन आज एक सड़क जो शेख रशीद की हवेली को जाती है उसके ऊपर कोई 20 या 22 के करीब उन्होंने ट्रक ला के खड़े किए, कंटेनर जिस पर मौजूद थे। उसके बाद हमें तो वहां पर कोई इंसानों का ठाठे मारता हुआ समुद्र नजर नहीं आया। जहां तक इंतजामी अमूर का ताल्लुक है, बंदोबस्त का ताल्लुक है, हमने 1985 से आगे की तहरीकें देखी हुई हैं, पुरानी तहरीकों के बारे में पढ़ा हुआ है, कुछ पुराने विजुअल्स भी मौजूद हैं। जो इंतजामी एहतमाम था, टीयर गैसिंग थी, लाठी चार्ज था, उसका बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, और जिसका एक जो शहादत है वो ये मिलती है कि अस्पताल के अंदर से आपको कोई खबर नहीं आई, वरना अमूमन ऐसे मामलात में रिपोर्टर और उनकी वैन जो है
अस्पतालों के बाहर खड़ी होती हैं, और यही हाल इस्लामाबाद का है। मैं इस वक्त की जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर जा रहा हूँ, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। बनीगला के अंदर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी थोड़ी बहुत आंखों चोरी जारी है। तो अगर आप अमूमी अंदाज से देखें तो जो कहा गया था कि हम इंसानों का समुद्र उमड़ आएगा और सारा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है, वो फिलहाल नजर नहीं आता। अगले 24 घंटे में अगर पाकिस्तान जाग जाए तो ज्यादा बात है, लेकिन फिलहाल तो नजर नहीं आया। लेकिन जाहिर है कि टारगेट तो आज इमरान खान ने आके जो मीडिया पे बात की है कि मैंने तो कभी कोई ऐलान नहीं किया था कि 2 नवंबर से पहले मैं कुछ करूंगा, मैंने जो भी करना है वो 2 नवंबर को ही करना है और 2 नवंबर को वो मैं करके दिखाऊंगा, ये उनकी स्टेटमेंट आपके सामने भी गुजरी होगी। जी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनकी। वो जोर फरमा रहे हैं, वो अपने इरादे पर कायम है, लेकिन हम में से जिस किसी ने भी एहतजाज की साइंस को पढ़ा है तो एहतजाज की साइंस के अंदर सिर्फ मुंह जोरी लीडर की काफी नहीं होती, इसके अंदर बड़ी प्लानिंग जाती है। तो जो शेख रशीद का जलसा था वो 2 नवंबर के जलसे की एक प्लानिंग थी, पिंडी के अंदर वर्कर को मोटिवेट करना था और ये बतलाना था कि पिंडी के अंदर से इतने लोग आएंगे हजारों की तादाद में। इसी तरीके से जो कल इमरान खान ने खुद जलसा अनाउंस किया था, रैली अनाउंस की थी इस्लामाबाद के अंदर, जिसका बाकायदा नक्शा जारी किया गया था और आधे से ज्यादा इस्लामाबाद का हसार उन्होंने बताया था उस नक्शे के ऊपर जो ऑफिशियली जारी किया था, और वो जलसा भी 2 दिन बाद यानी 2 नवंबर को होने वाली जो उनकी उनकी बड़ी लॉकडाउन थी उसकी तैयारी थी। तो ये तमाम जो जलसे और तमाम जो एक्टिविटीज हैं ये 2 नवंबर को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज थी। अच्छा, अगर वो एक्टिविटीज नहीं हो पाई तो सवाल ये यकीनन उठता है तो फिर 2 नवंबर को आप लोग कहां से लेके आएंगे, एक तो ये। दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तंजीमी ढांचा है, लोगों को ये समझना चाहिए वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फाल और गैर मुअसर है। उन्होंने अपने पार्टी का तमाम तर केडर जो है वो डिसॉल्व किया हुआ है और तमाम तर सूबाई जो इंतजामी अमूर है वो अपने मनपसंद के लोगों के हवाले किए हुए हैं। अंदर के जो लोगों के दुख है, जो पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर, बड़ी पार्टी के अंदर जो रस्साकशी होती है वो जो कि तू वहां पर मौजूद है, लोगों के ग्रीवेंसेज हैं। और ऊपर से आप देखिए, आज से तकरीबन 1 माह पहले जहांगीर खान तरीन के कहने पर इमरान खान ने जो इनके यूथ विंग्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बनती है उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको तहलील कर दिया। तो अमलन पार्टी का ढांचा मौजूद नहीं है। तो ये कहना कि लोग आ जाएंगे, लोग इस तरह नहीं आते। पीपल्स पार्टी को लोग लाने पड़ते हैं तंजीमी ढांचे के जरिए, सिंधी नेशनल जमातों को लोग लाने पड़ते हैं तंजीमी ढांचे के जरिए, जमात इस्लामी को तंजीमी ढांचा इस्तेमाल करके नौशेरा में बहुत बड़ा जलसा करना पड़ता है, JUI के पास तंजीमी ढांचा मौजूद है, MQM के पास तंजीमी ढांचा मौजूद है। तंजीमी ढांचे के बगैर आप लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकते। तो महज ट्विटर पर पैगाम जारी कर देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मेरा नहीं ख्याल कि लोग मुतहर होके एक जगह पर इकट्ठे हो पाते हैं। तो ये बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इमरान खान 2 नवंबर को जो एहतजाज की साइंस को सर के बल खड़ा कर देंगे या उनके जो दावे हैं वो एहतजाज की साइंस के ताबे हो जाएंगे, ये अब हमें देखना होगा 2 नवंबर। अच्छा, आपके ख्याल में एक उनका एक बहुत ही मोटिवेटेड एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर तो मौजूद है, क्योंकि गुज़िश्ता 3.5 सालों से उसने अपने कारकुनों को टोज पे रखा हुआ है, उसको मुतहरिक रखा हुआ है। आपके ख्याल में वो जो उसका तहरुक है वो 2 नवंबर को उसको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर वो जो जो जिस साइंस की आप बात कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो कारकुन बड़ा एक्टिव रहा है गुज़िश्ता 3.5 सालों में? देखिए, मुझे नहीं पता कि उस तहरीक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो जुनूनी जज्बा है, उसका इजहार हमने कहां पर देखा है कि हम ये नतीजा खस कर लें कि वो कारकुन जो है वो पीपल्स पार्टी का जियाला है या सिंध नेशनलिस्ट जो है, सिंधी नेशनलिस्ट जो है उन जैसा है, या बलोचिस्तान के अंदर जमाते हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं। देखिए, अपनी पार्टी के साथ मुकम्मल तौर पर लॉयल्टी रखना एक अमर है, पार्टी के लिए सर धड़ की बाजी लगाना दूसरा अमर है, पार्टी के लिए सर धड़ की बाजी लगाने के लिए सोच विचार का इस्तेमाल करना तीसरी बात है। तो अभी हमें देखना होगा कि जिस मुतहरक वर्कर की आप बात कर रहे हैं क्या उसके अंदर तंजीमी खासियत मौजूद है कि वो खुद को अपने इंकलाबी जज्बे के तहत सड़क पर अज खुद ले आए और वो काम करे जो इमरान खान साहब चाहते हैं, एक। दूसरी बात ये याद रखिए कि इमरान खान साहब को जो वोट पड़ा है उस वोट के अंदर
जो जवासाल वोट है, वो जवासाल वोट जो है वो बटा हुआ है मर्द और औरत के दरमियान, लड़कों और लड़कियों के दरमियान, और बहुत सारी ऐसी ऐसे वोट हैं लाखों की तादाद में जो उन फैमिलीज के हैं जो इस किस्म की हंगामा आराई से इज्तनाब बरतते हैं। तो जब शेख रशीद साहब आते हैं, टीवी पर बाजू हिलाते हैं और बताते हैं और सिगार लगाते हैं एक डीएसएनजी पर बैठकर, तो वो विजुअल तो बड़ा अच्छा बनता है, लेकिन उस धक्कम पेल को जो देखने वाले हैं घर में, वो उस परेशानी का शिकार हो जाते हैं और वो जानना ये चाहते हैं कि क्या वाकईतन हमारी बच्चियां और बच्चे जो हैं वो इस किस्म के माहौल के अंदर जाएंगे। ये टीवी का जो असर है एहतजाज, असल एहतजाज के ऊपर, वो बड़ा गहरा होता है यार, आप बेहतर समझते हैं। ये नफ्सियात बन जाती है कि मुल्क के हालात इतने खराब हैं तो हम क्या लोग बाहर निकलें या ना निकलें। तो अब दोबारा मैं ये कहूंगा कि इम्तिहान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी का भी है, उसके वर्कर के बारे में जो हमने ख्यालात और तजियात अपनाए हुए हैं उनका भी है, और बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के दावों की सच्चाई का भी है। अच्छा, वो दो तरफ से, मतलब जब भी इस्लामाबाद उनका मरकज बनता है तो एक तरफ तो पंजाब से यानी अपना लोग जाते हैं और दूसरी तरफ केपीके से लोग आते हैं, आपके ख्याल में 2 नवंबर को दोनों तरफ से कोई प्रेशर इतना बड़ा नहीं रेला कोई अंदर दाखिल होने के लिए नहीं इमरान खान डेवलप कर सकते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल था कि जिस किस्म की कल से मीडिया की कवरेज आई है, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, जिस किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं पीटीआई की तरफ से और हुकूमत की जो के जो काम है उनकी जो तशहीर की गई है इंतजामी तौर पर, जो उन्होंने डंडे लगाए या उन्होंने टियर गैसिंग की, उसके पेश नजर तो पंजाब के अंदर से वर्कर को उठना चाहिए था। पंजाब के अंदर तो मुझे किसी जगह पर सैकड़ों हजारों लोग नजर नहीं आए, मुझे बमुश्किल दर्जनों लोग नजर आए। आप सिंध में मौजूद हैं, आपने देखा कि सिंध के अंदर आज गवर्नर हाउस के सामने जो एहतजाजी दरखास्त पेश की गई जिसको गवर्नर ने रिसीव किया, उसमें कितने लोग शरीक थे। केपीके के अंदर कितने लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया, बलूचिस्तान में कितने लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। तो अब मुझे इल्म नहीं है कि कहां से ये लोग उठेंगे और उठकर इस्लामाबाद को रुख करेंगे, क्योंकि अगर तहरीक के अंदर लोगों ने हिस्सा डालना है तो उसका असर और उसके शवाहद अभी तक हमें बहुत बड़ी तादाद में मिल जाने चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल तलत हसन साहब, क्या आप नहीं समझते कि हिकमत अबली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन लोगों ने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई हो कि सब जगहों पे सब लोगों को सामने ना लाएं? देखें, दर्जनों लोग तो आप छुपा सकते हैं, सैकड़ों लोग भी आप छुपा सकते हैं, लाखों लोगों को हिकमत अमली के तौर पर आप कैसे छुपा सकते हैं? मेरी समझ से बाला है। नहीं नहीं, स्ट्रेंथ है ना, वो आज यूटिलाइज करने के बजाय वो स्ट्रेंथ जो है वो 2 तारीख को स्ट्रेंथ वो यूज करें, उसको मोमेंटम नजर नहीं आ रहा जी। अच्छा। उसका उसके लिए जो आपको जिस तरह तेज बॉलर भाग कर गेन करता है तो कोई ना कोई तो वजह होगी कि वो भागता है, शौक तो नहीं है उसको भागने का, भागे बगैर तेज गेंद होती नहीं, तो फिलहाल मुझे नहीं लगा कि वो भाग रहे। बड़ी मेहरबानी तलत हुसैन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, तलत हुसैन साहब मुल्किया सीनियर साफ़ी नामियारा तर्जनगार असा गड् गुफ्तगु तुम बुधी गुफ्तगु के सिलसिले के अना जारी रखासूँ ए कोशिश कदासूँ तो इन मसले से व्यू पॉइंट्स तक पहुँचाएँ। वक्फ़ो वूँ था, वक्फे का मोटी जी प्रोग्राम करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जो सिलसिले के अगते बताया हूँ गुफ्तगु हलंदड़ हुई मुल्क के सियासी मंजरनामे ते एहतजाजन जो सिलसिलो शुरू थी वो है। कराची में भी जो है पीटीआई कारकुनन धरणो हो, गवर्नर हाउस के आडो ए गवर्नर के जो है मेमोरेंडम पेश किया। गुफ्तु क्यों था मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे ते पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर अगवान ए वे सिंध के वे वजीर के इतलात बाबत
सलाहकार जनाब मौला बख्श चांडियो साहब से उन से गुफ्तु क्यों चांडियो साहब सलाम अलैकुम चांडियो साहब ही जो एहतजाजन जो सिलसिलो शुरू थो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी उनके क्या पी दिसे पनामा पेपर से मामले के लाए तय कई पे अस हिमायत की असो हिस्सों बनिया नवी जमायत में असी भी हुआस ठाण में भी रोल रहे अस यो भी आखिर बैलान कर भाई जैसे जरूरत पी तो असि रस्त हूँ मुझे चेयरमैन योग तो उन मान की मायूसी थी जी असाज इतिहाद अपोजिशन साहब तोड़ चाहन था पर तो खबर ना है कड़े नजूमी कड़े बुजुर्ग सलाली इमरान खान सब के अकेले वजे लाहौर लॉन्गमार्च कर ऐलान कर कहती जरूरत कान्ले कें पार्टी की चीफ सारे सदे तो कहीं जरूरत कान्ले अड़ा ऐलान थींदा अकेले से सजो सब करो पवो तो तू वाट कर वेठासी अदा असि गासी कल जो पुत्र खवातीन से बिलवर करके अस मजहमत कई अज भी असि मजहमत कई है अस इनके खिलाफ ही रियासती ताकत जो मुजाहरो न कर खे इन कारकुन के खिलाफ अच्छा पीपल्स पार्टी के बारे में यो यको तासुर इंदो आयो आहे त हु एहतजाजन जी सियासत खान जन चो त उनमें हिस्सो वठण नथी चाहे हालांकि कें दौर में पीपल्स पार्टी ढो एक्टिव रही आ एहतजाजन की सियासत में पूरो नवे जो ॾहाको उन पे असी जो ॾहाको एम आर डी के प्लेटफॉर्म त हाँ वह पीपल्स पार्टी इन भेरे छो उन एहतजाजन वो गस उन इस्तेमाल न किया अच्छा पीपल्स पार्टी जो हिकमत अमली होती सजे प्रोसेस में मिसाल तौर 2 नवंबर उनका पेरे उनका पो पीपल्स पार्टी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखंदी या कहल में बिल्कुल न और तो मजबूत कई है और तो के जो कर तो शुद्ध वदे तो बस आई अगर हले थी कि जो हिस्ट्री और साइंस का ऐसा साथ बयान आया सब क्या बयान है टेबल का भी बयान आया मजबूत करने मतलब सरकार का नहीं इधर तो नहीं पर तरीके का है जब रख लो जो जब रख लो इधर अगर प्यार ना है अकेले से चलता है सर तो जो भी केंद्र सत्य में सके अच्छा वही मेहरबानी मौला बख्श चांडियो साहब तुम जॉइन कर हाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अफगान सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जहा इतलात नशरियात बाबत सूबाई सलाहकार मौला बख्श चांडियो साहब से गुड़ हुआ गुफ्तगु तुदी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चाहे थी तो वो हिस्सो बनजे इन एहतजाज जो पर उनको बकौल इमरान खान उनके हिस्सों बनना न तो दे अकेले सिर हु कन था बहरहाल जो सूरत हाल है वह तहे सामू है उनमें जो खास तरह जो इंपॉर्टेंट गाल तलत हुसैन साहब कई उनमें जो यो चवण हो तो हेल तई जो कुछ थो उनमें जो वो एक मोमेंटम नजर अच्छा घुर्बो हो वो नजर को अचे ऐसू था इंदर 24 कलाक 48 कलाक ये शूँ कड़े तरफ वन थी वो यकीनी तौर से ऐसा जड़ी गाल पर मजमू तरह से जैसे तो मुल्क इन वक्त जै शदीद खतरन के वर चढ़ल है कुछ दी पे असो तो कोयटा में एडो वो सान्यो थो उनखां पहिरें असां ॾिसूं था रिपोर्टूं जेके अचनि थियूं त पाकिस्तान में 60% माण्हू जेका आहे गुरबत जी लकीर खां घटि ज़िंदगी गुज़ारनि था पाकिस्तान में किरोड़े ॿार जेके आहिनि अॼु बि तालीम पिराइण लाइ स्कूल कोन था वञनि बल्कि को मिस्त्री जे दुकान ते को होटल ते कंहिं चौक ते जेको आहे
पिनाण जे लाइ इन तरह जे जेको आहे पंहिंजो ॿारनि सां असांजे मुस्तक़बिल जंहिंखे चयो वञे थो असांजो मुस्तक़बिल जो जेका नेशन आहे जेका उन जो वॾो हिसो जेको आहे उहो उनजो उनजी पालना इन तरह थिए पई। अहिड़ी कैफियत में असांजे सियासतदाननि जा इहे मुतालबा इहे उन्हनि जी पॉलिटिकल जेका जेको तरीक़ेकार आहे हुकूमत जी लठबाज़ी इहो समूरो कुझु असांखे ॿुधाए पियो त हीअ जेको जंग आहे को आम माण्हुनि जी लाइ जंग न आहे, आम माण्हुनि जी भलाई जी जंग न आहे। इहो असांखे कहिड़े तरफ़ वठी वेंदी, छा वठी वेंदी, कीअं वठी वेंदी, हर तरफ़ जेको आहे दावाऊं आहिनि। पी टी आई चए थी त के पी के जे अंदरि जेको आहे उन्हनि पंज साढनि टिनि सालनि में खीर जूं नदियूं वहाए छॾियुनि। नवाज़ शरीफ़ साहिबु चए थो त हुन पूरे मुल्क जे अंदरि जेको आहे तरक़ी जी राह ते मुल्क खे गामज़न करे छॾियो आहे। उहो तरक़ी पी टी आई वारी या नवाज़ शरीफ़ वारी किथे आहे का ख़बर न आहे। बहरहाल जेको तलत हुसैन साहब जेका ॻाल्हि कई त हीअ जेका मामिलो आहे उहो मामिलो 2 नवंबर ते ॾिसजे त छा थो थिए, पर पाकिस्तान जी सियासी पार्टियुनि खे हिन सॼे मामले ते जेका संजीदगी जेका नज़र अचणु घुरिजे उहा असांखे नज़र कान थी अचे। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त ॾियां।